सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल व्हीकल रिव्यू। आज मेरे साथ टीवीएस के अपाची आरटीआर 164B के एली मॉडल जो विथ न्यू कलर में है। मैंने इससे पहले इस गाड़ी का रिव्यू किया हुआ है, ब्लैक मैट ब्लैक एडिशन में था, और ये करंटली कंपनी ने न्यू कलर लॉन्च किया 4B मॉडल में। सो आज हम लोग इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलता है। अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको शोरूम का लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर कॉल करके गाड़ी परचेस कर सकते हैं, इंक्वायरी करवा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत होने वाले नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ओम प्रताप सिंह आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में बात स्टार्ट करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले ये आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ यूनिक शेप में आपका इसका वाइजर का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको जो हेडलैम्प का असेंबली आप देख पा रहे हो, इसमें HO LED हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है जो आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प जिसको बोला जा सकता है, और बीच में आपका सेंटर DRL का ऑप्शन मिलता है, और इसमें आपको TVS का हॉर्स का एक लोगो इसमें मिल जाता है जैसे आप देख पा रहे हो। शायद विजिबिलिटी के कारण आप नहीं देख पा रहे हो, बट इसमें आपको TVS का हॉर्स का लोगो इसमें मिल जाता है। लाइटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों LED इसमें आपको मिल जाएगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको हाउसिंग का ऑप्शन मिल जाता है जैसे आप देख पा रहे हो, और इसमें आपको स्मार्ट कनेक्शन का भी फ्यूचर इसमें मिल जाता है जैसे आप देख पा रहे हो। इसमें स्मार्ट कनेक्शन है यानी कि ये ब्लूटूथ वेरियंट वाली मॉडल है। टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसमें आपको मिलता है, फॉग गार्ड मिल जाता है, और ये आपका आउटर ट्यूब थोड़ा सा हैवी टोन में मिल जाता है। फ्रंट फेंडर मेटल बॉडी का, साथ में इसमें आपको सुपर मोटो ABS का ऑप्शन मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और फ्रंट में आपको TVS रेसिंग का एक स्टिकर मिल जाता है। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें व्हाइट कलर ही मिलेगा। एली में दो वेरिएंट आते हैं एली में, पहला आपको मैट ब्लैक आएगा और ये आपका व्हाइट में मिल जाता है देखने को। सो फ्रंट चैनल ABS आपको मिल जाएगा, ABS का क्लीपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको फ्रंट चैनल डिस्क मिल जाएगा, 17 इंच का अलॉय व्हील का ऑप्शन मिल जाएगा, TVS का टायर का ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, और टायर की अगर साइज की बात करें तो 90x90x17 का इसमें आपको TVS का ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। रिम में ही आपको TVS रेसिंग का एक स्टिकर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल में जैसे हम लोग कन्वर्ट होंगे तो साइड प्रोफाइल में आपको जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख पाओगे ये जो फ्यूल टैंक है, उसमें फ्यूल टैंक में आपको डुअल टोन फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट आपका ये व्हाइट जो आप देख पा रहे हो ये आपका बोथ हैंड साइड मिलेगा, राइट हैंड एलएच साइड, और सेंटर में आपको रेड कलर के नया ग्राफिक्स के साथ इसमें आपको नया डिजाइन भी मिल जाएंगे। 3D का हॉर्स लोगो टंकी में मिल जाएगा, फ्यूल टैंक में मिल जाएगा, जो हर एक अपाची में आपको मिल जाता है। न्यू ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा कुछ यूनिक शेप के साथ, और ये आपका 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक एयर एंड ऑयल कूल्ड HOSC इंजन इसमें आपको मिल जाएगा, जो न्यूनतम और भी गाड़ी के मुताबिक जो पावर देती है सेम पावर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लेगार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, हाइपर EDEG का आपको यहाँ पे नया ग्राफिक्स का स्टिकर मिल जाएगा, आपको ये इंजन गार्ड मिल जाता है, कॉलिंग कवर इसमें मिल जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हो, इंजन गार्ड इसमें आपको कवर मिल जाएगा, और ये गाड़ी आपका OBD सेंसर 2 वाला मॉडल मिल जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। रियर की अगर बात करें तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक का ही ऑप्शन मिलता है, एडजस्टेबल राइडर फुटरेस्ट मिलता है, एडजस्टेबल पिनियन फुटरेस्ट मिलता है, और ये आपका साइलेंसर मिलता है। साइलेंसर जैसे आप देख पा रहे हो ये आपका अब इसमें प्लास्टिक कवर्ड है, और इसमें लेकिन इसमें पहले क्या है ना कि पहले इसमें ऊपर आपको एक प्लेट मिलता है, देन अगेन आपको इसका पूरा असेंबली देखने को मिल जाता है। इसमें फाइनल में आपका अपाची का नया ग्राफिक्स मिल जाता है लोगो देखने को। सीट की अगर बात करें तो सीट में आप जैसे देख पा रहे हो डुअल टोन सीट का ऑप्शन मिलता है, जो पुराने एली था ब्लैक कलर में सेम 80s उसमें आपको ऐसे सीट देखने को मिलता था, और इसमें भी आपको 70s ऐसी सीट देखने को मिल जाएगा। टेल कवर में RTR 164B का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। पिनियन हैंडल कुछ वी शेप में देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो आप जैसे आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको न्यू एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। रियर टायर की अगर बात करें तो 130/70x17 का इसमें आपको टायर मिल जाएगा विथ आपका रेड अलॉय व्हील, और आगे में जो मैंने बताया वो आपका ब्लैक अलॉय व्हील ही मिलेगा। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक का सिस्टम मिल जाता है विथ विदाउट ABS, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं मिलता। रियर में आप जैसे सस्पेंशन देख पा रहे हो ये आपका मोनोशॉक स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है, और इसमें आपको कोई कवरेज नहीं मिलता, बट आपको पीछे में कवर मिलता है जो आपका प्रोटेक्ट करता है डस्ट उस्ट जाने से। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने बताया OBD2 वाला मॉडल, जैसे OBD 111A का मॉडल यानी कि OBD 2 ऑप्शन यानी VSX का Phase 2 वर्जन BS7 मिल जाता है। टेल लैम्प का कुछ यूनिक डिज़ाइन ये है, और ये जो आप ऑप्शन देख पा रहे हो इसमें आपका सीट ओपन होने का ऑप्शन मिल जाता है। रियल में आपको दो इंडिकेटर विथ LED वेरिएंट में, ये आपका इल्यूमिनेटर लाइट, और ये आपका नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, और पीछे में रिफ्लेक्टर मिलता है, और बोथ हैंड साइड आपको इधर और इधर भी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं।
अभी ये आपका साड़ी कार्ड हो गया, इसमें उसके लेडीज फुटर्स अभी तक इसमें फिटेड नहीं है। और जो आप चेन पॉकेट का ऑप्शन देख रहे हो, इसमें आपको ऊपर में ही चेन कवर मिलता है, नीचे में चेन कवर इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। एडजस्टेबल पिनियल फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट एडजस्टेबल, सेमिटीज 164B का आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, अपाची का नया ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, स्टिकर। और ओवरऑल गाड़ी की मीन्स की बात करें तो ये गाड़ी आपको इसमें मोडिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि लाइक स्पोर्ट मोड, राइड मोड और अर्बन मोड। 5-स्टेप गियर सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर इसमें आपको मिल जाएगा, अगर स्टैंड गिरा हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट होगी बट गियर लगने के साथ ही गाड़ी बंद हो जाएगी। ये न्यू चेंजिंग इसमें करते किया गया, RTFI रिस्टर्न इसमें आपको नए स्टिकर मिल जाएंगे देखने के लिए। और अगर इस गाड़ी के इंजन ऑयल क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन ऑयल क्वांटिटी लगता है। कुछ ऐसा प्रोफाइल इसमें आपको देखने को मिलेगा। हैंडल के अगर डिज़ाइन की बात करें और मीटर के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें आपको आर्टिस्ट स्लीपर क्लच का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें 3 स्टेप दिया हुआ एडजस्ट करने के लिए, दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है, क्लच और ब्रेक दोनों में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और मीटर हैंडल के जैसे बात करें तो हैंडल आपको सिंगल हैंडल का ऑप्शन मिलता है, हैंडल में ही आपको लो बीम, हाई बीम, आई मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, पासिंग स्विच और इग्निशन कट ऑफ सिस्टम। मोड मतलब 3 मोड इसमें आपको मिलते हैं, स्पोर्ट मोड, राइड मोड और अर्बन मोड। और ये आपका लाइटिंग सिस्टम का है, अपर और डीपर, नहीं लाइटिंग स्विच है, ये ऑन ऑफ का सिस्टम आपको मिल जाता है और ये सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। करंटली ये गाड़ी अभी यार्ड में खड़ी है, इसके वजह से इसका जो बैटरी अभी इसमें टर्मिनल में कनेक्ट नहीं किया, इसलिए मीटर असेंबली में आपको लाइट देखने को नहीं मिलता। बट मैं ऐसे वैसे बेसिकली आपको बता दूं मीटर में क्या क्या देखने को मिलेगा। इस गाड़ी के मीटर असेंबली में आपको डिजिटल मीटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें डिजिटल टाइमिंग, RPM, लो बीम, हाई बीम, स्पीड का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलता है, गियर स्टेप सिस्टम देखने को मिल जाता है, ट्रिप का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जैसे मैंने आप गाड़ी का परफॉर्मेंस बताया, 160cc के सेगमेंट में बहुत बेहतरीन गाड़ी कंपनी ने बिल्डअप की है। और अगर आप इस गाड़ी को परचेस करना चाहते हो तो बेझिझक इस गाड़ी को परचेस कर सकते हो, मैं आपको लोकेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के विजिट कर सकते हो। और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी ओवरऑल इन बोकारो स्टील सिटी झारखंड में आपको 1,62,000 का ऑन रोड प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा।